हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत इजी सी रेसिपी देने वाली हूँ, आलू का पराठा, जो कि बहुत इजी है बनाना और इसे कोई भी बना सकता है, और लेकिन खाने में ही उतना ही टेस्टी भी लगता है। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। मैंने 1/2 kg आलू लिया है। मैंने आलू के छिलके को हटा लिया है, अच्छे से धोकर मैंने उसको बॉईल कर लिया है। मैंने हैंडफुल धनिया लिया है, धनिया का पत्ता। मैंने 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, उसको मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। मैंने 2 हरी मिर्च ली है, अपने आप अपने तीखा कम या ज़्यादा अपने स्वाद के अनुसार एडजस्ट कर लीजिएगा। और मैंने टेस्ट स्वाद अनुसार नमक लिया है। मैंने 300 ग्राम आटा लिया है। मैंने थोड़ा सा बस सॉल्ट इसमें ऐड कर दिया है, और मैं इसे नॉर्मल पानी से आटे को अच्छे से लगा लूँगी, और इसे लगाने के बाद 10 मिनट रेस्ट पे देंगे। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैंने आटे को अच्छे से गून लिया है, और आटा हमारा अच्छे से गूना, देखिए सॉफ्ट। आप ये आटे को अच्छे से गूने, अच्छे से इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। उसके बाद चलिए तब तक हम लोग आलू को रेडी कर लेते हैं पराठे के लिए। आलू मैंने इसमें जो अदरक डाल देती हूँ, कच्ची हरी मिर्च, धनिया, नमक, अब इसे हम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आटे का बॉल बना लिया है। देखिए, नॉर्मल हम लोग जो चपाती बनाते हैं उससे थोड़ा सा एक साइज बड़ा बॉल बनाएंगे। अब इसे हम आटे में ऐसे लगा देंगे। आटे में लगाने के बाद हम लोग इसको ऐसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे, ऐसे प्रेस करेंगे अंदर की तरफ। अब इसमें हम लोग आलू को फिल करेंगे। अब कम या ज़्यादा अपने हिसाब से आलू को फिल कर सकते हैं। अब इसको हम लोग इस तरीके से इसको प्रेस करेंगे अंदर की तरफ से, इस तरीके से आटे को ऐसे अंदर की तरफ से प्रेस करेंगे, इसको अंदर ऐसे पुश करेंगे, और इसको ऊपर से इस तरीके से लेके जाएंगे, और हमारा इस तरीके से आस्ते आस्ते करते स्लोली, बिल्कुल अच्छे से आस्ते आस्ते स्लोली करेंगे इसको। हम इस तरह कर देंगे, इसको तोड़ देंगे और इसको इस तरीके से कर लेंगे। अब इसमें हम अपना सूखा आटा लगाएंगे, इसको डस कर लेंगे ऐसे करके, और इसको इस तरीके से काउंटर टॉप में रख के इसको इस तरीके से हम लोग हल्के हाथ से इसको प्रेस कर लेंगे पहले। बस इतना काफ़ी है, इतना तक प्रेस कर लेंगे। अब इसको हम लोग बेलेंगे, हम लोग ऐसे आस्ते आस्ते बेलेंगे हल्के हाथ से, थोड़ा इस तरफ से बेल लिए, थोड़ा इस तरफ से बेल लिए। देखिए बस हो गया, ये थोड़ा सा इतना तो होगा ही, लेकिन इससे कोई बात नहीं है। अब इसे हम उठा के ऐसे तवे पे डाल देते हैं। मैं तवे को पहले से गरम कर लिया है। अब इसे हम 2-3 सेकेंड तक इस तरफ से एक तरफ से सेकेंगे। एक तरफ से हमारा हो चुका है, अब हम दूसरी तरफ से इसको सेकेंगे अच्छे से। घी में पराठे को बना रही हूँ। आप चाहे तो ऑयल में ही बना सकते हैं, लेकिन घी में
आलू का पराठा ये काफी टेस्टी लगता है। मैंने एक तरफ से अच्छे से घी लगा दिया है, अब इसे हम दूसरी तरफ पलट के लगाएंगे। मैंने दोनों तरफ से घी लगाकर पराठे को अच्छे से सेक लिया है। आपको पराठा की रेसिपी पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।